नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज भी हम लेके आए हैं टॉपिक क्लास टेन से जी हाँ दोस्तों क्लास टेन से टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों डिटर्जेंट <coughs> जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सोप के बारे में डि डिस्कस किया था तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्जेंट्स के बारे में कि डिटर्जेंट्स क्या होता है क्या इसके एडवांटेज होती हैं क्या डिसएडवांटेज होती हैं कितने तरह के होते हैं ओके सो नाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक्स नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक्स सो बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स एक्चुअली दोस्तों बात आती है कि डिटर्जेंट होता क्या है एक्चुअली में डिटर्जेंट की बात आती है तो डिटर्जेंट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोप की बात आती है सोप में क्या था सोप में सोडियम सोल्ट तो था पर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट डिटर्जेंट ऑल्सो द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो आ डिटर्जेंट अ डिटर्जेंट इज द सोडियम अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ long chain long chain of what <coughs> benzene sulfonic acid benzene sulfonic acid which has which has a cleansing property which has a cleansing property in water property in water ओके okay, बात करते हैं दोस्तों क्या है ये तो सबसे पहले बात आता है डिटर्जेंट सोडियम सोल्ट होता है किसका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बेंजिन सल्फोनिक एसिड बेंजिन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन का सोडियम सोल्ट होता है और यही क्या कहलाता है बेनजीन जिसकी वाटर के अंदर क्या होती है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है ओके okay? क्लियर ना ओके इट हैज इट हैज लार्ज नॉन आयोनिक नॉन आयोनिक ग्रुप सच एज वॉट सल्फोनेट सल्फोनेट इसमें क्या होता है एक लोंग आयोनिक ग्रुप होता है नॉन आयोनिक ग्रुप होता है लोंग होता है उसका नाम क्या होता है सल्फोनेट ग्रुप ओके सल और वी कैन से डेट सल्फोनेट इज द नॉन आयोनिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट नाउ डिटर्जेंट आर ऑफ टू टाइप्स डिटर्जेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स टाइप्स ये दो तरीके का होता है दोस्तों क्या सबसे पहले आर एज आर एस नंबर फर्स्ट इज वॉट सोडियम एन डोडेसिल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट बेंजीन सल्फोनेट sodium n dodecyl benzene sulfonate this is the first part and the formula of this one is ch3 ch2 whole twice whole 11 then c6h4 so3 minus na plus so this is the formula of sodium n dodecyl benzene sulfonate and the second one is the what sodium <coughs> sodium n dodecyl सल्फोनेट सल्फेट ओके द फॉर्मूला ऑफ दिस वन सी एस थ्री सिंगल बोल्ड सी एस टू होल्ड टेन देन सी एच टू एस ओ फोर माइनस एन ए प्लस दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सोडियम एंडोडेसिल सल्फेट ओके आई थिंक ये समझ में आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल बॉड हम बात करते हैं डिटर्जेंट क्या होता है सोडियम सोल्ट होता है किसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बेंजिन सल्फोनिक एसिड का ओके जिसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है अगर इसको पानी में घोलते हैं तो एक क्लिंजिंग प्रॉपर्टी देता है सेकेंड इसमें नॉन आयोनिक लार्ज नॉन आयोनिक ग्रुप होता है कौन सा सल्फोनेट ये दो तरीके का होता है दे आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट फर्स्ट वन इज द बेनजीन एंड डोडेसिल सॉरी सोडियम एंडोडेसिल बेनजीन सल्फोनेट ओके एंड द सेकेंड वन इज सोडियम एंडोडेसिल सल्फेट sodium and dodecyl sulfate is it clear? there are two types of the detergent now one most important it it has a better it has a better cleansing property cleansing action even in a hard water even in a hard water or doosri ये क्या होता है इट हैज़ अ बेटर क्लिनजिंग एक्शन ये हार्ड वाटर के अंदर भी बेटर क्लिनजिंग एक्शन देता है हार्ड वाटर में क्या होते हैं मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन होते हैं जो कि क्या जिसमें सॉप काम नहीं कर पाता बट ये क्या होता है डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी अच्छा वर्क करता, करता है अच्छे हमारे क्लॉथ को क्लीन करता है ओके सो ये किसके बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन किसके बारे में था दोस्तों डिटर्जेंट के बारे में आप चाहो तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हो क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ ऑफ द बोर्ड एग्जाम दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसको इतना ईजी ना लेना ओके तो दोस्तों बात करते हैं अब इसमें इसके एडवांटेज की क्या इसमें एडवांटेज होते हैं और क्या डिस होते हैं ओके okay. तो बात करेंगे दोस्तों एडवांटेज के बारे में एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है हार्ड वाटर में भी काम करता है सो वी कैन से डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स कैन कैन क्लिंजिंग एक्स कैन गिव No, can oh sorry detergents can cleansing can better not no need to write this detergents have better better cleansing action better cleansing action even in a hard water even in a hard water hard water but but soap इज नॉट सुटेबल बट सॉप इज नॉट सुटेबल सुटेबल फॉर सुटेबल विद सुटेबल विद हार्ड वॉटर दिस द फर्स्ट एडवांटेज ओके क्या होता है कि डिटर्जेंट्स है बैटर क्लिंजिंग एक्शन डिटर्जेंट्स के पास क्या होते हैं बेटर क्लिंजिंग एक्शन होता है किसमें हार्ड वॉटर में भी दूसरी बात क्या होता है अगर सोप से कंपेयर किया जाए सोप क्या होता है सुटेबल नहीं होता सोप अच्छा वर्क नहीं करता है ओके सेकंड वन डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स हैव डिटर्जेंट्स आर मोर सोलिबल डिटर्जेंट्स आर मोर सोलिबल इन वाटर एज कंपेयर टू एज कंपेर टू सोप्स सोप्स के कंपेरिजन में डिटर्जेंट्स क्या होता है ज्यादा सोल्युबल होता है ओके okay? ये क्या होता है ज्यादा सोल्युबल होता है नेक्स्ट डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स हैव हैोर क्लिनजिंग एक्शन हैव मोर क्लिनजिंग एक्शन देन सोप

बात आती है नेक्स्ट की तो डिटर्जेंट्स क्या होता है मोर क्लिनजिंग एक्शन डिटर्जेंट्स क्या देता है ज्यादा क्लिनजिंग प्रॉपर्टी देता है किसके कंपैरिजन में सोप के कंपैरिजन में सो दीज आर द व्हाट दीज आर द एडवांटेज चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं <coughs> ओके okay. ना दोस्तों बात करेंगे अब इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या होती है? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्जेंट्स की सब में तो क्या होता है एडवांटेजेस होती हैं बट द मोस्ट डिसएडवांटेज डेट व्हाट? इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड pollute the atmosphere and pollute the environment okay means detergents the most the most disadvantage the most disadvantage of detergent detergents is that detergents are that detergent is dead. Is that is that Notice that the most relevant detergent are as detergents are as <coughs> detergents detergents are non-biodegradable, non-biodegradable, biodegradable. It means that it means that it decompose, it does not decompose. It does not it does not decompose, it does not decompose by the action of microorganism, by the action of microorganism and pollute the and pollute the water bodies. वॉटर बॉडीज एंड एनवायरमेंट वेयर एज वेयर एज सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल इतना ही लिखते हैं ज्यादा इसमें नहीं लिखते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या होती है तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये होती है क्या कि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते जब बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते जब नहीं कर पाएंगे तो वाटर के अंदर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और क्या करेंगे वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करेंगे और किसको एनवायरमेंट को भी पोल्यूट करेंगे ओके okay, ये मोस्ट डिसएडवांटेज होती है कि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते जबकि सोप क्या होते हैं सोप्स क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं सोप्स आसानी से हो जाते हैं माइक्रो ऑर्ग्रेन उनको आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं तो दोस्तों आई होप कि ये समझ में आया होगा चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ओके <coughs> okay, दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की तो दोस्तों चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही होगा एम्बिशन क्लासेस 2019 दोस्तों वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की पी अलग तरीके के तुमको आपको सैम्पल पेपर मिलते रहेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ एक नई एनर्जी के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद